नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। जालौन में प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक की पत्नी के आशिक ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना 3 जून को माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुरा की है, जहां खेत की बंबी किनारे झाड़ियों में 26 वर्षीय मूलचरण का शव मिला था, जिसके सर पर चोटों के निशान थे। साथ ही उसकी बाइक झाड़ियों में मिली थी। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। आज पुलिस ने खुलासा किया है, हत्या मृतक की पत्नी रोशनी के आशिक सोनू कुशवाहा ने की थी। मृतक को पार्टी करने के बहाने बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले का खुलासा करते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक मूलचरण की पत्नी रोशनी से सोनू का प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने के बाद मूलचरण अपनी पत्नी रोशनी को लेकर हरियाणा पानी पूरी का धंधा करने के लिए ले जाने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी रोशनी माधोगढ़ से जाना नहीं चाहती थी। पूरी बात बताना सही। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, ये घटना क्यों अंजाम दी थी? वो सर पंकज संग मतलब जो हताशा हुई थी, उसी मतलब खत्म हो गया। क्या मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे आपके? हाँ, उनसे बात करते थे। तो प्लानिंग आपने बनाई थी? नहीं, प्लानिंग नहीं बनाई थी। अचानक हुआ कि प्लानिंग? अचानक हुआ सर। जो भाई मतलब साधन गए थे हम धंधों में, हाँ, वहाँ जब बम भी बैठे मिले थे, वहीं पर मतलब जो पिया खाई होने लगी और घटना हो गई। घटना हो गई। माधवपुर थाना क्षेत्र के कुंवरपुरा में नहर पर युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने खुलासा किया है, क्या मामला? ये 3/6/21 को ये कुंवरपुरा बम्बी के पास एक डेड बॉडी मिली थी। तो ये डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई थी उसी दिन। ये मूलचरण कुशवाहा, ये मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा वही माधोगढ़ का था। इस और इसके मंगल सिंह पुत्र श्री छोटेलाल कुशवाहा, ये इसके भाई ने ये FIR लिखाई थी। ये पुलिस की टीम उसी दिन उसकी शिनाख्त में लग गई थी। प्रथम दृष्टया जो है ये मर्डर प्रतीत हो रहा था। तो ये 4 तारीख को इसका मुकदमा लिखा गया। PM पोस्टमार्टम में चोट आई थी। इसकी पत्नी रोशनी उसी गांव के ही जो है उसके सोनू कुशवाहा से इसके अवैध संबंधों की बात प्रकाश में आई है। और ये जो मृतक है मूलचरण, ये पानीपुरी का धंधा करता था हरियाणा। तो अभी लॉकडाउन के बाद ये जाने वाला था और ये पत्नी इसकी जाना नहीं चाहती थी और उले जाना चाहता था। इसी बात को लेकर के जब इसने अपनी इससे प्रेम प्रसंग था उससे बात की, उसने ये सोनू कुशवाहा और एक पवन नाम आ रहा है उसका साथी है, दोनों ने मिल करके इसकी हत्या कर दी। ये पार्टी करने के बहाने नहर पर लाए हैं 2 तारीख के और फिर इसको वही पत्थर पर पटक दिया है और इसकी मोटरसाइकिल को ईंट से मार के तोड़ के उसी बॉम्बी में फेंक दिया था। अब सोनू कुशवाहा गिरफ्तार हुआ है आज और ये ईंट भी बरामद हुई है। उसका एक साथी अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। उसकी पत्नी की भी भूमिका इसमें संदिग्ध है, उसकी हम पूरी साक्ष्य जुटा लेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अवैध संबंधों के कारण ही हत्या हुई। सोनू कुशवाहा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने साथी का नाम बता दिया। इस गिरफ्तारी करने वाली टीम में जो है प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार और उप निरीक्षक रामवीर सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, विपिन कुमार और सौरभ कुमार, इस टीम ने विशेष प्रयास करके घटना का अनावरण किया। घटना के समय ये 4 तारीख का ये मर्डर की केस है और 6 तारीख को वर्कआउट हो गया है। शेष अभियुक्तों को भी हम जल्दी गिरफ्तार करें।